भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे इंद्रासन के कंपामाइंड होने का कारण यही है। यदि इसका यह तप खंडित ना हुआ तो मेरा इंद्रासन मुझसे अवश्य छिन जाएगा। अब क्या करूं? हाँ, याद आया, बुलाऊं कामदेव को तप खंडित कराने के लिए। अकेला काम है काफी ऋषि का मन डुलाने के लिए। कहिए मित्रवर, किस लिए किया है याद मुझको? ये मुखड़ा क्यों मुरझाया है? दशा आपकी देखकर राजन, ये दिल मेरा घबराया है। कुछ ना पूछो मित्रवर, कुछ ना पूछो। मुझे इंद्रासन क्या मिला, मानो मैं एक मोह जाल में फंस गया। हर समय बस इसी की चिंता सवार रहती है। वह देखो, नाकी अखंड तप कर रहा है। अब मेरे इंद्रासन के छिन जाने में कोई शंका नहीं। बस इसी कारण आप उदास हैं। जब तक कामदेव जीवित है तब तक किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हाथ उठे इंद्रासन पर वह हाथ नष्ट कर डालू मैं। जो आंख उठे इंद्रासन पर वह खुशकी निकालू मैं। तुम ठीक कहते हो रतिदेव, तुम ठीक कहते हो। अब सहारा देकर तुम ही कम कुछ ताप को ऐसी माया दिखलाओ, नारद भूल जाए जाप को। मित्रवर, आप निश्चय रहे, देखने में सुंदर और डसने में काला नाग हूं। भस्म कर डालू जिस्म को मैं वो दीपक आग हूं। चलाकर हुसन का चक्कर, अभी तो इनका तोड़ूंगा। मैं मुजस्सिम काल हूं, इनको मिटाकर छोड़ूंगा। मित्रवर, आप जाइए, मैं अभी इन्हें वो जाल में बताता हूं। आप अपने नित माया से इनका तप खंडित करें।
तो कोई भी असर नहीं हुआ। अच्छा मेरे को देखो, क्षमा मुझे माफ कर दो, आपने कामदेव पर विजय पाई, प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जो होना था सो हो गया, अब तुम काम, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज ये अपराध मैंने अपने मित्र इंद्र के इंद्रासन को बचाने के लिए किया, मैं बेकसूर हूँ, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मगर मैं इंद्र को क्या जवाब दूंगा? क्या सोच रहे हो कामदेव? क्या तुम्हारी कोई युक्ति काम आई? नहीं नहीं मित्रवर, आज नारद ने कामदेव पर विजय पाई, लेकिन आप अपना इंद्रासन अपने पास ही जानो। चलिए मित्रवर, मैं आपको सारी बातें बताता हूं। आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, वो ये है कि आपके समक्ष हमारे ये तीन कैमराज लगे हुए हैं। जस्ट टीवी की ओर से ऑनरेबल मुख्य अतिथि साहबान, इसका वर्ल्ड वाइड प्रसारण हो रहा है और ये रामलीला ही हमारी ऐसी है कि यूरोपियन कंट्रीज में भी देखते हैं इसको, सभी स्टेटों के देखते हैं और वहां से हमें भरपूर मात्रा में दान की राशि भी प्राप्त होती है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जस्ट टीवी को, और मैं चाहता हूं कि अभी और बातें करनी है हमारे संगीत के बारे में, हमारे इस ध्वनि वादक यंत्र जो है साउंड सिस्टम के बारे में, कलाकारों के बारे में, जैसे जैसे समय मिलेगा आपके सम्मुख आकर हम सभी का लघु परिचय करवाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, दृश्य तैयार है। आयुष्मान रहो। कहो नारद जी, आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। कुछ ना पूछे भगवान, कुछ ना पूछे, आज मैं प्रसन्न नजर आ रहा हूँ। भगवान और नारद ने काम खेत पर विजय पाई। नारायण। क्या कहा नारद जी? काम देव पर विजय पाई। पर विजय पाई, अब तो संसार में बराबरी करने वाला कोई नहीं। नारद जी ये तो ठीक है कि जिसने काम देव को जीत लिया वह बड़ा प्रतापी है,
किंतु उचित यही है कि अहंकार को दिल से निकालो। अपनी करनी सब करते हैं जगत में मुनि और ज्ञानी, पार नहीं है पाया उसका, वह है अंतर्यामी। इसलिए जो किया है तुमने उसे न मन में लाओ तुम, जग में कोई बराबर नहीं, दिल से ये निकालो तुम। यदि विष पालक को तुम्हारे विचारों का पता लग गया तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। एक बात आपके हित की है, मेरा काम है केवल समझाना। जो कहा आपने मुझसे है वह हरि के लिए ना बतलाना। अच्छा नारद जी, अब हम चलते हैं। पिताजी के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, एक दिन मेरे मन में आया कि मृत लोक की सैर करूं। वहां जाकर मैंने देखा संसार नाशवान है। बस था दिल में मेरे एक चोट लगी, भक्ति साधन का सम्मान किया, पहुंचा तब गुफा हिमालय में, मुक्ति मार्ग को आसान किया। जो गुजरे वर्ष हजार कहीं, आखिर साक्षी भगवान किया, सुर राज के आसन ने बल को मेरे पर नाम किया। भेजा तब रंभा उर्वशी को, संग काम देव ने दान किया, कोशिश की तब खंडन की, और यूं ही मुझे हैरान किया। पिताजी, जो कुछ भी हो मैं भगवान विष्णु को यह वृतांत सुनाने अवश्य जाऊंगा। इससे पहले मैं भोलेनाथ को भी बता चुका हूँ। अच्छा पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। धूनो भरति भावेश्वरी विष्णु विष्णु त्रयम्बके, कौशल्या कैकेयी। नारायण नारायण नारायण, भगवान के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। राम आशीष जी, आइए, इतनी देर कहाँ रहे? मानो हमें तो बिल्कुल भूल ही गए हो।
नारायण नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? क्या भला एक सेवक अपने स्वामी को भुला सकता है? कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। आपके दर्शन क्यों नहीं हुए भगवान? मैं हिमालय पर तपस्या कर रहा था तो इंद्र ने जाना, मैं अखंड तप कर रहा हूँ। उसे अपने इंद्रासन छिन जाने का भय हुआ। उसने मेरा तप खंडित करने के लिए अपने मित्र कामदेव को बुलाया। कामदेव ने मेरा तप खंडित करने के लिए अपनी अनेक लीलाएं रची, परंतु उसकी कोई युक्ति काम ना आई। अच्छा नारद जी, इस बात को जाने दीजिए और यह बताइए कि संसार का क्या समाचार है? भगवान, मैं तो वहां कई दिनों से नहीं गया। हाँ, अब जाने का विचार है। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण नारायण। प्रिय, आज मेरे भक्त नारद के हृदय में अहंकार पैदा हो गया है, जिसका इसी समय खंडन करना होगा। तुम ऐसा करो, जहां तक भी नारद की नजर जाए वहां माया का ऐसा सुंदर नगर बसाओ, जिसे देखकर नारद जी का दिल ललचा जाए और तुम स्वयं विश्वमोहिनी का रूप धारण करके वहां जाओ। भक्त को कष्ट मिले क्यों मुझे आराम रहे, जब मुझे विश्राम नहीं तो क्यों मुझे विश्राम रहे। आज माया में फिसा कर मारक पर उसको लाऊंगा, भक्त को लूंगा बचा और प्रेम से अपनाऊंगा। बुरे पथ पर जाने को यदि बहलाचार है, बचाने के लिए भक्त को भगवान भी तैयार है। दृश्यों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि एक स्वयंवर का दृश्य है, उस स्वयंवर में एक सुंदर कन्या अपना वर चुनती है और ये सारी माया जो है विष्णु भगवान द्वारा रचित होती है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 तेरी लीला जग से नारी नारी हरी हरी तेरी लीला। है ये मैं कहां आ पहुंचा? आज मैं ये रहा हूं। मैं नित्य इसी मार्ग से आया जाया करता हूं, मगर ऐसा नगर
आज तक दिखाई नहीं दिया। मंदिर, ये भवन, ये धरा पहले तो कभी देखने में नहीं आई। क्यों ना इस नगर के राजा के पास चला जाए। राजन, ये आज घर घर में उत्सव मनाए जाने का क्या कारण है? कृपा निधान, कल राजकुमारी विष मोहिनी का स्वयंवर है। मंत्री जी जाइए और राजकुमारी को बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। बेटी, ये है नारद जी, ऋषियों के सरताज, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर। प्रसन्न रहो मुनिवर, जरा इनकी हस्त रेखा देखकर बताइए कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजन, आपकी कन्या सुंदर ग्रहों के लक्षणों वाली है। वह अमर रहेगा सदा सदा, सबका रक्षक कहलाएगा, सेवक होगी दुनिया उसकी, वह सब पर हुक्म चलाएगा। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं, प्रसन्न रहो। अमर हो जाऊं मैं, संसार को सदा बताऊंगा, मैं हुक्म चलाऊंगा सब पर, यदि इससे ना रचाऊंगा। अगर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे विष्मोहिनी मुझे मिल जाए। हाँ, याद आया, भगवान विष्णु से बढ़कर इस दुनिया में कौन रूपवान है। क्यों ना उनका रूप मांगने उनके पास चला जाए। लेकिन वहां पहुंचने में तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं यहीं पर अपनी उनकी तपस्या करके उन्हें यहां बुलाता हूं। कहिए मुनिवर, कैसे याद किया? भगवान, मैं विष्णुमोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आप ये अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। दया सिंधु, मुझ पर भी ना दया कीजिए, दे दो ये रूप मुझे अपना, बस यही इच्छा पूर्ण कीजिए। बस भगवान, इसके अलावा विष्णुमोहिनी मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रभु, आप वह काम करें जिससे मेरा हित हो।
जाए, काम मेरा ये पूर्ण हो और नाम आपका हो जाए। बस प्रभु आप शीघ्र ही मुझे अपना ये रूप दे दीजिए। आइए मुनिवर, मेरे साथ आइए, मैं अभी तुम्हें अपना रूप देता हूँ। लीजिए मुनिवर, हमने अपना रूप तुम्हें दे दिया। बोलो विष्णु भगवान की। अच्छा प्रभु, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। मैं सभी राजकुमारों से निवेदन करता हूँ कि महाराज के हुक्म अनुसार राजकुमारी जी मुझे जयमाला पहनाएंगी, वही विश्व मोहिनी जी का पति कहलाएगा। जयमाला बना दी, इसमें अवश्य कई भेद है। मुझे प्यास बता रही है। पहले अपनी प्यास बुझाता हूँ, फिर भगवान विष्णु से सारा मालूम करता हूँ। तुमने मुझसे कपट किया, धोखा किया, इतना बड़ा धोखा। नारायण नारायण। इस तरह नारी द्रोह में हम फिर से दुखी रहो, इस तरह पृथ्वी पर जाकर
तुम फिर ना दुखी रहो, दिया रूप हमको और चिढ़ाओ हमें, वही बंदर आकर पृथ्वी पर दे सहारा तुम्हें, अपने ही तन दे से जो हमारा पाप है, जा पृथ्वी पर बना नर है, ये क्या सब क्या हो गया? हे मेरी रक्षा करो, मैंने गुस्से में आकर आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो। लेकिन भगवान, मैं अनजाने उन दो गणों को भी श्राप दे चुका, और आपको जो उल्टे शब्द कहे उसका पाप कैसे झुलेगा भगवान? छोड़ दो चिंता हृदय से, प्रेम में जब हम लगे तुमने हेलो शिव जी के नाम का जप, हेलो हेलो ये माया आपको फिर नहीं सताएगी। बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की। रही थी, हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान स्वयं चलकर इस
तुच्छ प्राणी को दर्शन देने पधारे हैं। मेरे प्रिय भक्त रावण, तुम्हारी साधना ने हमें स्वयं यहाँ चलकर आने के लिए विवश कर दिया। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है भगवान, जो इस जन्म में आपके साक्षात दर्शन हुए, वरना इंसान 84 लाख योनियों में भी आपके दर्शन कहां कर पाता। हृदय से की गई तपस्या तो भगवान को भी भक्त तक पहुंचाने के लिए विवश कर देती है। हमें तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा ने इतना आकर्षित कर दिया कि हमें स्वयं चलकर यहाँ आना पड़ा। मांग लो जो भी वरदान तुम्हें चाहिए। भगवान, काल का चक्र बहुत बलवान है, रात दिन उठते बैठते सोते जाते केवल यही ध्यान है कि मृत्यु से छूट जाऊं। सृष्टि का ये नियम है, हर देह को जीवन पाना है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे को, जो आत्मा तुम्हारी है ना जाने कल किसकी होगी। ये चोला रोज बदलती है, आज इसकी है कल उसकी होगी। फिर भी हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं, मांगो क्या चाहते हो। अच्छा प्रभु, तो ये वरदान दीजिए कि साधारण मनुष्य और वानर जाति के अतिरिक्त कोई भी मुझे मार न सके। तथास्तु। भक्त रावण, ये चंद्रहास तलवार है, जब तक तुम इसका पूजन करते रहोगे तब तक तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। प्रभु,
यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोया रहूं। क्षमा कीजिए प्रभु, ना जाने की शक्ति के वशीकरण में मैं उल्टा वरदान मांग बैठा। कुंभकरण, कमान से निकले तीर और जीवा से निकले शब्द कभी वापस नहीं होते। जैसी आज्ञा प्रभु। चलूंगा जिस जमीन पर उच्चार वहां मुझे सिर्फ काल में तो क्या मेरी दाल जाएगा। जय शंकर, जय शंकर। इच्छा अनुसार जो भी वरदान तुम्हें चाहिए मांग लो। प्रभु आपकी अपार कृपा से सब कुछ है मेरे पास, धन दौलत सार्थक स्वास्थ्य सभी कुछ तो है, बस एक ही है आपके नाम की रट। छूटे धन धरती सकल, छूटे सब व्यवहार, प्राण प्रिय नारी छूटे, छूटे सब व्यापार, सत्य धर्म कर्ता की प्रेम डोर ना टूटे, छूटे सब संसार, प्रेम की रट ना टूटे, बस तथा कि रावण को भगवान शंकर ने वरदान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हम कहो के मरे न मारे, बानर मनुष्य जाति दो ही सारे। कि मैं मनुष्य और बानरों से बिल्कुल मुझे मृत्यु ना हो, और इसी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकर वरदान देते हैं। जब शंकर जी उनका ध्यान कुंभकर्ण की तरफ जाता है तो कहते हैं कि ये मानव शरीर है या पर्वत है, कहीं उल्टा सीधा इसने मांग लिया जागने सोने का। तो माँ सरस्वती को कहते हैं कि इसकी जीवा पर बैठो, और परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण ये कहते हैं कि मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सोना पड़े, और उसी वक्त जो है शंकर भगवान वरदान दे देते हैं। बाद में उन्हें ये महसूस होता है कि शायद मैंने कुछ गलत मांग लिया है, और भगवान शंकर कहते हैं कि जबान से निकला हुआ शब्द और तर्क से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं जाता, अर्थात उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। विभीषण अपने प्रभु राम की शरण में वो कहता है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन प्रभु राम का गुण जो है ये मैं गाता रहूं, मेरे अंदर अच्छे सगुण आए, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर ये वरदान उनको दे देते हैं। वरदान लेने के बाद दोनों क्या कहते हैं, जय शंकर।
जय शंकर। हेलो हेलो, रावण कुंभकर्ण। हेलो। और उसके बाद देखिए आखिरी दृश्य की तरफ पढ़ते हैं रावण वेदवती संवाद, और इस संवाद का क्या परिणाम होता है। रावण जब उस सुंदर कन्या को वेदवती को छूने का प्रयास करते हैं तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी, कब मिलूंगी और किस प्रकार मुझे जो छुआ है इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। दृश्य तैयार है, रावण वेदवती संवाद। रंग दिल की धड़कन भी राती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी राती तो होगी, याद मेरी उनको भी राती तो होगी, मेरी धड़कन भी राती तो होगी। लागना कौन है जो अकेली इस जंगल में फूल चुन रही है? ए देवी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो? महाराज, मैं एक ऋषि कन्या हूं और इस संसार में अकेली हूं। अकेली बैठी बैठी विष्णु भगवान के ध्यान में अपना समय व्यतीत करती हूँ। विष्णु हमारा जाने
तेरी दुश्मन, ये तेरी मूर्ति सुंदर किसे मन तेर के लायक है, ये कितनी शाही जीवन का अछूता फूल है गुलजार ये काबिल, जवानी का अनमोल रतन है सार के काबिल। परंतु इस फूल इस रतन का सुपस्टान विष्णु भगवान की कर्मा, मैंने अपने पिता प्रण को पालने की प्रतिज्ञा की है। तू भूल करती है और विदूर करती है, उसके चिंता करना बेसुध है तेरे लिए, सुख संपत्ति तेरी सेवा के लिए सब बांधिया और दास है, तेरे लायक है जो चीजें वो सब हमारे पास। विष्णु से तेरा मुकाबला, कहां चंदन कहां जर्रा, कहां हीरा कहां पत्थर, कहां भानु कहां दीपक, कहां मोती कहां कंकर, तेरे कब्जे में जो कुछ है उसी के घर से आता है, तू पानी है वह ला पानी, तू भिक्षुक है वह दाता। पर दीपक में हमारा कोई भी स्वामी नहीं, अच्छा कोई शूर दाता वह क्या नहीं, हम में जो गुण है ना विष्णु में तू पाएगी, जन्म को पर व्यक्ति आखिर को पछताए। ऐ प्राणी नीच बुद्धि तेरी पापों की झलक दिखलाती है, क्या मतलब बातें करने का तुझको शर्म नहीं आती है। सुंदरी कोई डर की बात नहीं, तू किसका रंग घबराती है, हमारा मतलब नहीं समझी और यूं ही क्रोध चढ़ाती है। जो वन पर जीवन है तेरा किस तरह समय बिताती है, सच बतला दे क्या है नाम तेरा, क्यों अक्सर यहाँ चली आती है। कान लगाना होश गवा, या भक्ति साधन काम मेरा, श्री विष्णु का जाप करती हूँ और वेद पति है नाम मेरा, जी मैं बस यही इच्छा है हो पति विष्णु भगवान मेरा, रहती हूँ पर्वत चोटी पर और इसमें ही है आराम मेरा। होली क्यों खाक उड़ाती है, लंका की पट रानी बन, छोड़ दे इन जंगलों को और महलों की तू रानी, जो यौवन व्यर्थ गवाती है खुद ऐश की जिंदगानी बन, कन्याओं पर जो जुलुम करे वह वीर नहीं कहलाते हैं, अपलाओं पर जो सितम करे वह आखिर को पछताते हैं, छल से बल से चालाकी से जो अपना काम चलाते हैं, कुछ दिन वह मौज उड़ाते हैं फिर घोर नरक में जाते हैं। मैं रावण हूँ सुन हे पति, तलवार से न डर कर और यू ही बात सुनो, यहाँ कब तक खाक उड़ाएगी, क्यों यौवन व्यर्थ गवाती है,
लंका के घर जितना था आलम विद्या का उतना ही दुष्ट महान हुआ। थूकू ना तेरी लंका पर, झूठा तुझको अभिमान हुआ। इस तरह का सुंदरी तू ये बहाना छोड़ दे, मेरी हुस्न अपना तू मिलाना छोड़ दे। इस तरह का कामी कपटी डर दिखाना छोड़ दे, पाप के संसार में तू पग पड़ाना छोड़ दे। वो नहीं जानती आज आए मैंने का संताप यू, तू मुझको दिखाना छोड़ दे। बच नहीं सकता कोई भी काल रूपी तीर से, गलत है कहना तेरा बातें बनाना छोड़ दे। देखता हूँ अब तू कैसे नहीं मानती, कह रहा हूँ मैं तुझे ये जिद बढ़ाना छोड़ दे। जा जा, जहाँ से आया है मनुष्य शक्ल ना दिखा मुझको, हरी भजन ही मेरा कर्म है, यू मुफ्त में ना भरमा मुझको। इतना अभिमान तुझे इस बदतमीजी का मजा अभी चखाता हूँ। ना जब तक पर्वतों की चोटियां थर्रा के हिल जाए, जब तक जल के बदले आसमां से ना हो रक्त की वर्षा, वहां तक तो मेरी साड़ी का पल्लू तू छू नहीं सकता। समझ गया, तू ऐसे ना मानेगी, सुबह के बल से रावण का पलना जानेगी। संभल कर दे जवाब अबला, हमें अब देर होती है, वरना देख मेरी शक्ति तू अभी देर होती है। इधर ना मुंह से निकले हाँ उधर खंजर पड़ा होगा, मैं तेरी तब बनूंगी जब मेरा ना बाकी निशा होगा। ऐ ताकत कौन सी जिससे मेरा नाश हो जाए, मुझे अपनी बना लेना जब मेरी लाश हो जाए। ये मुमकिन नहीं, वो बच कर निकल जाए मेरे शिकंजे से, अगर निकली तो हो जाएगी मुर्गा मेरे पिंजरे से। पूरे पूरे करूंगा आज मैं, अरमान देखना होता है किस तरह से अपमान। तू राज तेरी मेरे हाथों से अब बच नहीं सकती, विष्णु की कोई हस्ती तेरी मदद कर नहीं सकती। मैं जन्म तुम्हारा पाऊंगी, नाम के ल
अंतिम दृश्य देखा और रावण ने वेदवती को छुआ और उन्होंने भी ये कह दिया कि मैं तेरे नाश का कारण बनूंगी और रावण ये कहते हुए कि देखा जाएगा।